मंदिर और मूर्तियों के शहर अयोध्या में लगभग 8,000 मठ मंदिर है, और हर मठ मंदिर में भगवान राम माता सीता विराजमान है। तो वहीं एक तरफ प्रभु राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है, जहां 22 जनवरी को अपने भव्य महल में भगवान राम विराजमान होंगे। तो दूसरी तरफ आप धर्मनगरी अयोध्या के प्राचीन और प्रतिष्ठित बड़ा भक्तमाल मंदिर में लगभग भगवान रामलला को 1 किलो से ज्यादा सोने का छत्र अर्पित किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 24 नवंबर को बड़ा भक्त महल पहुंचकर यजमान की भूमिका में सोने के छत्र को अर्पित करेंगे। मुख्यमंत्री 24 नवंबर को अयोध्या पहुंचेंगे। लगभग 1 घंटे मुख्यमंत्री धार्मिक अनुष्ठान में रहेंगे। इस दौरान बड़ा भक्त महल मंदिर के शिष्यों के द्वारा विराजमान बड़ा भक्तमाल बिहारणी जी सरकार सीताराम जी को 1 किलो स्वर्ण से जड़ित मुकुट और छत्र समर्पित करेंगे। बड़ा भक्तमाल स्थान स्थित यहाँ पर विराजमान श्री बड़ा भक्तमाल बिहारणी जो सरकार श्री सीताराम जी को माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज 24 तारीख को अभिजित मुहूर्त में भगवान श्री सीताराम जी को बड़े भक्तमाली जी महाराज, बड़ी जगह के पूज्य महाराज जी और योगी आदित्यनाथ जी महाराज, रसिक पीठाधीश्वर जी, सभी संतों के बीच में योगी आदित्यनाथ जी इस लगभग 1 किलो स्वर्ण से निर्मित भगवान का दिव्य किरीट, कुंडल, मुकुट ये सारी जो है भगवान को समर्पित करेंगे। ऐसा कार्यक्रम है क्योंकि इस समय सदगुरुदेव भगवान श्री बड़े भक्तमाली जी महाराज की 49वीं पुण्यतिथि का कार्यक्रम चल रहा है, और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत सारे कार्यक्रम आयोजित होते हैं प्रतिवर्ष। इस वर्ष विशेष कार्यक्रम भगवान को स्वर्ण मुकुट अर्पण करने का बनाया गया, जिसमें सारे कार्यक्रम पूर्णता की ओर है। हमारे राजस्थान के अजमेर जिला के केकड़ी के सुरेश जी स्वर्णकार हैं, उनकी देख रेख में ये संपूर्ण सोने का काम संपादित हुआ है, और ये सारा सोना कुछ दान के द्वारा, कुछ खरीद करके ला करके, और लगभग लगभग 1 किलो के आसपास है।